सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू वर्ड सक्सेस चैनल पे। तो आज हम करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल को सॉल्व। ठीक है, तो ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको पर्सन को सर्टेन नहीं दिया गया कि कितना पर्सन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मीन्स की कंडीशन को कैसे नोट करते हैं, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये हमारा पजल है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। चलते हैं पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सारे पर्सन क्या है, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए, बट पर्सन कितने हैं ये पता नहीं। बट पर्सन सर्टेन नंबर मतलब पीक से कितने पर्सन होंगे, लेकिन कितने पर्सन है वो पता नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। देयर आर टू पर्सन सिट बिटवीन एल एंड पी। अब यहाँ से मेनली हमारा कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऐसे पजल को सबसे पहले, जैसे कि बैठे तो पहले दो क्या करते हैं, सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या होता है ना कि हम टाइम को सेव कर पाते हैं। एक कंडीशन अगर रॉन्ग होगी तो दूसरी कंडीशन हमारी डेफिनेटली क्या होती है, फिट बैठती है। तो दो कंडीशन हम लेके चलते हैं दो सर्कल, क्योंकि पर्सन सर्टेन नहीं है। तो अगर जैसे कि किसी क्वेश्चन में रहता है कि आठ पर्सन है, तो हम लोग क्या करते हैं, आठ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं करना है। अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर टू पर्सन सीट बिटवीन एल एंड पी। एल और पी के बीच में, एल और पी के बीच में दो पर्सन है। तो अगर हम यहाँ पे एल का बैठाते हैं तो ये एक दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे L को बैठाते हैं तो L के लेफ्ट में दो पर्सन, मीन्स कि P यहाँ हो गया। क्लियर है, चलते हैं आगे क्या कह रहा है। Who sit adjacent to T? Who किसके लिए आया है, P के लिए, कि P के adjacent में कौन है, T है। तो P के नियर में T होना चाहिए। अभी नहीं पता कहाँ पे बैठाएंगे, क्योंकि लेफ्ट या राइट दोनों में से कहीं भी हो सकता है, अभी रहने दो। उसके बाद कंडीशन कह रहा है M sit second to the left of L। L के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे, तो L के लेफ्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, M। L के लेफ्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड नंबर पे कौन है, M। यहाँ पे ये M सिट कर रहा है। एंड अ नेबर ऑफ P, ठीक है, अ नेबर ऑफ P, P का नेबर यहाँ पे कह रहा है कि ये, तो P के नेबर में, तो नेबर में मतलब कि ये कंडीशन तो ठीक है, बट ये कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, P के नेबर में तो नहीं है, मीन्स कि ये कंडीशन हमारा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस P को रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसी तरीके से दो डायग्राम करते हैं, पी वन टू, और यहाँ पे क्या आ गया, पी आ गया, और ये क्या हो गया, एम हो गया। चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एम। एस और एम के बीच में सेम पर्सन है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एम है, मींस कि एम क्या होगा, वो बीच में ही होगा। और लेफ्ट साइड या एस, एस दोनों में कॉमन है, एस बीच में ही होगा। और एस के लेफ्ट में या राइट में या तो आर आएगा या तो एम आएगा, या तो R या तो M इस तरीके से आएगा। इक्वल है, अगर इधर एक पर्सन होंगे तो इधर भी एक पर्सन होंगे, अगर इधर टू पर्सन लेते हैं तो इधर भी टू पर्सन को ही हम लोग लेंगे। ठीक है, चलो आगे नोट करते हैं। सिटिंग बिटवीन S एंड M हो गया, Q सीट फोर टू द राइट ऑफ S। S के राइट में, S के राइट में फोर नंबर पे, तो S अगर यहाँ है तो राइट में वन टू थ्री फोर नंबर पे, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, एस के राइट में फोर नंबर पे Q, फोर्थ टू द राइट ऑफ S एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। M के लेफ्ट में कौन, Q, Q जो है वो M के लेफ्ट में, M के लेफ्ट में कितने नंबर पे, थर्ड, वन टू एंड ये क्या हो गया, थ्री, थर्ड नंबर पे। अब इस कंडीशन को हम मर्ज करते हैं कि M के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे Q, तो M यहाँ पे वन टू थ्री, थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। M के लेफ्ट में वन टू एंड थ्री, थर्ड नंबर पे क्या हो गया, Q। और Q जो है S के राइट में, तो अगर हम यहाँ पे S लेते हैं तो वन टू थ्री फोर्थ नंबर पे, अगर S को यहाँ लेते तो वन टू थ्री फोर्थ नंबर पे Q हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम लोग इसमें मर्ज करने की कोशिश करते हैं, कैसे, M R S जो है वो एनी टाइम किसी भी कीमत पे बीच में ही रहेगा। S के राइट में या लेफ्ट में
होना चाहिए, ठीक है। अब एस यहाँ पे है, अब एस के लेफ्ट में या राइट में क्या होना चाहिए, आर और एम ये होनी चाहिए, इतना तक ठीक है। अगर एस यहाँ है एम यहाँ है मीन्स की आर, अब देखो यहाँ से अब इधर के तो पोर्शन फिक्स थे बट इधर के पोर्शन फिक्स नहीं थे ना, इसके बीच में भी पोर्शन को हम बैठा सकते क्योंकि इधर फिक्स नहीं है। हाँ एस और क्यू के बीच में पोर्शन फिर से फिक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिक्स है बट एल और एस के बीच में पोर्शन फिक्स नहीं है। तो आगे कंडीशन क्या कह रहा है, आइदर आर और एम सिट एडजेसेंट टू क्यू, क्यू के एडजेसेंट मीन्स कि क्यू के नेबर में आर या एम में से कोई एक, तो हम ये देख रहे हैं कि एम तो हो गई नहीं, मीन्स कि क्यू के नेबर में ही आर को होना चाहिए, क्यू के नेबर में किसे होना चाहिए, आर को। तो यदि हम इस कंडीशन में आर को यहाँ पे बैठाते हैं तो आर और क्यू के बीच में क्या हो गया, दो पोर्शन हो गया, एल एस आर और एस के बीच में दो पोर्शन, तो एस और एम के बीच में भी दो पोर्शन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि क्यू यहीं पे आर के नेबर में है, मीन्स कि आर क्या हो सकता है, यहाँ पे भी तो हो सकता था ना। तो वन टू थ्री फोर पोर्शन अगर यहाँ पे बैठाते हैं इसके बीच में भी फोर पोर्शन बैठाना था, बट एक कंडीशन क्या था कि पी के नेबर में टी है, अगर आर को यहाँ पे रख दोगे तो फिर टी कहाँ पे जाएगा, तो ये कंडीशन फुल भी नहीं होगा ना, इस वजह से हम आर को यहाँ पे नहीं रख सकते, आर के लिए ये पहले से बिल्कुल एकदम फिक्स बैठता है। अब ये कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं कि टी के, टी जो है वो क्या है, टी के नेबर में है, तो टी को यहाँ पे बैठा देते हैं, टी के नेबर में होगी, अब ये कंडीशन हमारा बिल्कुल फिक्स बैठ गया, ठीक है। अब ये अगर हमारा बन गया कंडीशन, अगर हम मर्ज कर लेते तो अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपसे पूछता है कि पोर्शन की संख्या कितने है, कितने पोर्शन इस सर्कुलर टेबल पे बैठे, तो काउंट करके बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 पोर्शन जो है इस सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो आर के राइट में थर्ड नंबर पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स की पी है। तो इस तरीके से अगर हम ये पूरा कंडीशन मर्ज करके अगर हम ये डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी हो हम सॉल्व आराम से कर पाते हैं। आई होप समझ में आ गया अच्छे से। चल ये बस इसी तरीके से आप कंडीशन को, एक एक कंडीशन को लिंक करते चलो और बैठाते चलो, तो आपको एक भी कंडीशन में बैठ सकते, जैसे हम दो सर्कुलर लिए मींस कि दो कंडीशन पहले से ही लेके चल रहे थे, तो अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप एक कंडीशन में भी बना सकते थे, इस दूसरे की ज़रूरत भी नहीं थी, बट अगर आप बिगनर हो तो आप दो कंडीशन में बनाओ, एक कंडीशन में मत बनाओ, ठीक है। चलो आई होप कि ये वीडियो पसंद आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।